देश में 5G सेवाओं की शुरुआत 15 अगस्त से हो सकती है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने ट्राई से 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी शर्तों के बारे में अनुशंसा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ मार्च 2022 के पहले सिफारिशें सौंपने का अनुरोध किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव को लिखे पत्र में विभाग ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की दरों एवं शर्तों के बारे में अनुशंसा जल्द दी जाए। सरकार का इस साल 15 अगस्त तक 5G सेवाओं की शुरुआत करने का इरादा है। दूरसंचार विभाग 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे जुड़ी शर्तें एवं प्रावधान ट्राई की अनुशंसा के बाद ही तय होंगी। नीलामी में 526, 698 मेगाहर्ट्ज़ व मिलीमीटर बैंड जैसी नई फ्रीक्वेंसी के लिए मानदंड तय किए जा रहे हैं। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने शुक्रवार को कहा कि उसने इंडस टावर्स में वोडाफोन की 4.7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है। समझौता इस शर्त के साथ है कि इस राशि का इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया में निवेश करने व मोबाइल टावर कंपनी का बकाया चुकाने में होगा। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया इंडेक्स टावर ने बकाया का भुगतान करने में असमर्थ रही है। वोडाफोन आइडिया और प्रवर्तक कंपनी वोडाफोन दोनों ने 15 जुलाई 2022 तक बकाया चुकाने के लिए एक भुगतान योजना का प्रस्ताव रखा है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।